दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, ये दोनों टीमें अभी तो भिड़ी थी 24 अप्रैल को, मंडे को ही, और दोबारा से इन दोनों टीमों के बीच मुकाबला आ गया है भाई। अब इससे साफ पता लगता है कि देखिए आईपीएल 2023 जो है मिडवे में आ चुका है, और अब सैटरडे डबल हेडर का शाम का मुकाबला यानी 7:30 बजे होगा दिल्ली कैपिटल्स वर्सेज सनराइजर्स हैदराबाद फिर से। और दोनों ही टीमें देखिए सबसे नीचे हैं पॉइंट्स टेबल के, एक टीम 9वें पायदान पर है, एक टीम है 10वें पायदान पर, और वही बात करेंगे कि दोनों टीमों की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। सबसे पहले बिना देरी करे आ जाते हैं दिल्ली कैपिटल्स की, और ये भी ध्यान रखेंगे कि मुकाबला कहां पर है। ये मुकाबला है दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में, दिल्ली के होम ग्राउंड पर, और साथ ही साथ उसके बेसिस पे प्लेइंग 11 हम पॉसिबल रखेंगे। आप भी ज़रूर इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिख के, सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 की। तो डेविड वॉर्नर, मिचेल मार्श और 3 नंबर पर फिल सॉल्ट। मैंने मिचेल मार्श को ओपन करवाया है अपनी प्लेइंग 11 में, क्योंकि देखिए 3 नंबर पे तो मिचेल मार्श चल नहीं पा रहे, और ओपनिंग में जो है उनका स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा रहा है, तो भाई ओपनिंग करवा दो, ट्राई कर लो ओपनिंग करवाने में मिचेल मार्श को, क्या पता भाई बल्ला चल जाए, कुछ तो करें, क्योंकि अभी तक तो कुछ नहीं किया है मिचेल मार्श ने। और अब देखिए 3 नंबर पर फिल सॉल्ट एडजस्टेबल प्लेयर हैं, फ्लेक्सिबल हैं काफ़ी, ओपनिंग भी कर लेते हैं, 3 नंबर पर भी खेल लेते हैं T20s में। तो फिल सॉल्ट जो है पिछले मुकाबले में गोल्डन डक पर आउट हुए थे, पर इतनी जल्दी राय नहीं बनानी क्योंकि प्लेयर अच्छा है। आपने पृथ्वी शॉ को भी तो लगातार जो है इतने मौके दिए, वो नहीं चल पाए, फिल सॉल्ट को भी थोड़े मौके दे के देख लेते हैं, इस वजह से फिल सॉल्ट को 3 नंबर पर रखा है। मनीष पांडे 4 नंबर पर, फिर सरफराज, फिर ललित यादव को रखा है मैंने, फिर उसके बाद अक्षर पटेल, रिपल पटेल, एनरिक नोरकिया, कुलदीप यादव और ईशांत शर्मा। गेंदबाजों की अभी करेंगे बात, लेकिन अगर आप बात करें तो जो पिछला मुकाबला हुआ दिल्ली कैपिटल वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद का, जो दिल्ली का भी पिछला ही मुकाबला था, हैदराबाद का ही पिछला ही मुकाबला था, उसमें देखा हमने दोनों टीमों की ही बल्लेबाजी स्ट्रगल कर रही है, दोनों की टीमों में बल्लेबाजी में डेप्थ है ही नहीं। दिल्ली में बल्लेबाजी की डेप्थ है, लेकिन अमन हकीम खान जैसे प्लेयर हैं तो वही आप जो है आपको डुबाने का काम ही कर रहे हैं, वो भाई कुछ ज़रूरत नहीं थी कुछ ऐसा शॉट खेलने की उसके, इसलिए मैंने अमन को टीम में नहीं रखा है बिल्कुल। इस वजह से अगर आप देखें तो अमन को मैंने मुकाबले में जगह नहीं दी है, ललित यादव को रखा है मैंने। ललित यादव भाई इनको अभी तक बाहर क्यों बिठाया हुआ ये नहीं समझ आ रही, पिछले मुकाबले में उनको इम्पैक्ट सब के तौर पर रखा था, पर लेकिन बाहर क्यों बिठाया हुआ है। और अगर आपको ललित यादव की बात करें तो भाई ललित यादव बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, आईपीएल 2022 आप याद कीजिए, अक्षर पटेल के साथ कई पार्टनरशिप्स करी इन्होंने, मुंबई के खिलाफ वाला आपको मुकाबला याद होगा भाई, जितवाया था दोनों ने। पर आपको डेप्थ की ज़रूरत है तो आपको रखने ही पड़ेंगे बल्लेबाज निचले क्रम तक, और रिपल पटेल तक यहाँ पर मैंने बल्लेबाज रखे हैं। फिर उसके बाद गेंदबाजी में देखिए एनरिक नोरकिया, कुलदीप यादव और ईशांत शर्मा। ईशांत शर्मा भाई विकेट ला कर दे रहे हैं, और क्या चाहिए आपको, ईशांत शर्मा आपको सीनियोरिटी भी दे रहे हैं, और जब तक प्लेयर चल रहा है तो चलने दो भाई, ओल्ड इज गोल्ड है, और क्या चाहिए आपको। और एनरिक नोरकिया आपको गति तो चाहिए थी ना शुरुआत में, अगर दिल्ली कैपिटल्स पहली इनिंग में यहाँ पर गेंदबाजी टॉस जीत कर ले लेते, जो कि लेगी भी, टीमें टॉस जीतेंगी अगर अरुण जेटली स्टेडियम में तो पहले गेंदबाजी का फैसला करेंगे, और दिल्ली कैपिटल्स जीत जाए तो वो गेंदबाजी करे, तो एनरिक नोरकिया से गेंदबाजी करवानी पड़ेगी, क्योंकि शुरुआत में जो ये विकेट है सतह थोड़ा सा हार्ड रहता है, और फिर जो है जैसे मुकाबला आगे बढ़ता जाता है क्रैक्स बिल्डअप हो जाते हैं और ड्राई हो जाता है, तो स्पिनर्स रोल में आ जाएंगे और स्लो ट्रैक भी हो जाएगा यहाँ पर, और फिर उसके बाद आपके स्पिनर्स जो हैं रोल में आ जाएंगे, उसके लिए आपके पास अक्षर हैं, ललित यादव भी आपके लिए ऑफ ब्रेक डाल देंगे, और उसके बाद कुलदीप यादव हैं ही आपके पास मेन स्पिनर, आपके चाइनामैन। तो आपके लिए अगर आप एक चीज़ देखें तो नोरकिया आपको हिट द डेक बॉलिंग करवा के देंगे शुरुआत में नई गेंद से, तो हो सकता है विकेट भी ले लें, क्योंकि तेज़ गति एनी डे आपको जो है आपके लिए सक्सेसफुल रहेगी। तो ये थी दिल्ली कैपिटल्स की मेरी पॉसिबल प्लेइंग 11, जो कि मैंने बल्लेबाजी में डेप्थ रखी है, और हो सकता था कि मैं अगर मान लूँ कि मैं रोमन पॉवल को भी यहाँ पर जगह दे सकता था, क्योंकि एक फिनिशर की ज़रूरत है। आपने देखा होगा दिल्ली कैपिटल्स जो है पिछले मुकाबले में भी फिनिश करने में बहुत ज़्यादा चोक करी थी, उससे पिछले मुकाबले में भी चोक करी थी, जो आपको याद होगा दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला जो यहाँ पर अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में ही हुआ था, वहाँ पर अक्षर पटेल से भी फिनिश नहीं हो पा रहा था मुकाबला, उनके साथी बल्लेबाज से तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा था, वो टेल एंडर ही थे, पर लेकिन आपको रोमन पॉवल चाहिए एज अ फिनिशर, पर मैंने यहाँ पे रखा नहीं क्योंकि डेविड वॉर्नर, मिचेल मार्श, फिल सॉल्ट और एनरिक नोरकिया जो मैंने टीम बनाई है उसमें 4 फॉरेन प्लेयर्स हो गए हैं। अब किसको बदलूं भाई, किसको ना बदलूं, ये एक दिक्कत आ जाती है, और अभी तो फिलहाल फिल सॉल्ट को मौका देने की ज़रूरत है तो मौका दे रहे हैं, इस वजह से मैंने रखा नहीं। एनरिक नोरकिया आपको आप बाहर रख नहीं सकते, मिचेल मार्श को देना पड़ेगा मौका। आप अगर पृथ्वी शॉ को आप अगर बाहर रख रहे हैं, और मैंने इस टीम में भी पृथ्वी शॉ को नहीं खिलाया, ना ही सब्स्टिट्यूट में रखा है, ना ही मैंने प्लेइंग 11 में जगह दी, क्योंकि पृथ्वी शॉ को अभी थोड़े वक्त बाहर बैठने दीजिए, रियलाइज़ करने दीजिए भाई कि वो क्या अब खो रहे हैं,
अपनी इतनी ज़बरदस्त स्किल है, उनके पास इतने केपेबल हैं, वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा रियलाइजेशन होने दें, थोड़ी सी और काम करें अपने चीज़ों पर, वो मानसिकता पर, इस तब उनको जाकर चांस मिलेगा। इस वजह से मैंने 4 फॉरेन प्लेयर्स, मिचेल मार्श, फिल सॉल्ट, डेविड वॉर्नर और एंड्रिक नॉर्किया को रखा है। पॉवल को फिर कभी देखेंगे, अगर आगे जाकर मार्श वगैरह परफॉर्म कर पाते हैं, नहीं कर पाते तब। अब चलते हैं सीधा सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 पर, पॉसिबल प्लेइंग 11 पर, क्योंकि इस टीम में भी एक सोचने की ये चीज़ है कि भाई डेप्थ है नहीं बल्लेबाजी में। क्लासन के बाद कोई बल्लेबाजी नहीं था पिछले मुकाबले में जो दिल्ली के खिलाफ इन्होंने खेला, तो स्ट्रगल कर रही है इनकी बल्लेबाजी भी। कोई भी बल्लेबाज रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। आप शुरू से देखें तो अभिषेक शर्मा, हैरी ब्रूक, ये दोनों ओपनर्स, फिर राहुल त्रिपाठी 3 नंबर पर। पिछली बार इन्होंने राहुल त्रिपाठी को इम्पैक्ट प्लेयर रखा था और इस बार ही मैंने 3 नंबर पे जगह दी इनको प्लेइंग 11 में। और साथ ही साथ फिर उसके बाद बात करें तो एडन माकरम 4 नंबर पे, एंड्रिक क्लासन विकेट कीपर, तो भाई खेलना ही खेलना है। और साथ ही साथ फिर मयंक अग्रवाल को मैंने मौका दे दिया है, इसकी वजह मैं आगे बताता हूँ, आप खुद भी समझ जाएंगे मुझे लगता है, क्योंकि मैंने आदिल राशिद को खेला है मार्को यानसन की जगह पर, क्योंकि जो विकेट है ना, जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा यहाँ पर जो है ड्राई होता जाएगा और स्लो होता जाएगा, तो राशिद को खिलाना ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर। साथ ही साथ मयंक मार्कंडे, फिर भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, उमरान, आपके पास 3 पेसर तो हैं ही। और उसी के साथ अगर आप देखें तो आदिल राशिद को मैंने इसलिए खिलाया है क्योंकि स्पिनर की तो ज़रूरत है ही है आपको, और आपकी बल्लेबाजी में डेप्थ देने के लिए अगर आप देखें तो इम्पैक्ट में मैंने अब्दुल समद को रखा है। और अगर जब आपकी टॉस जीतकर अगर आप जब गेंदबाजी करें तो आपके पास गेंदबाज हैं ही, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो अगर आपको सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करनी भी पड़े तो यहाँ पर आपके पास डेप्थ देने के लिए आपको अब्दुल समाद आप इम्पैक्ट प्लेयर में उठाकर आप रख लीजिए। तो डेप्थ के हिसाब से मैंने यहाँ पर बनाई है, और आदिल राशिद को इसलिए रखा है क्योंकि मार्को जानसन को मैं यहाँ पर बाहर कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास लेफ्ट आर्म पेसर तो एक है ही है ना टी नटराजन के रूप में, और आदिल राशिद को रखना ज़रूरी हो जाता है स्लो ट्रैक की वजह से। तो मयंक मार्कंडे और आदिल राशिद को रखा गया यहाँ पे मैंने। और साथ ही साथ अगर आप वापस से दिल्ली की प्लेइंग 11 पे आए तो मैंने इम्पैक्ट प्लेयर मुकेश कुमार को रखा है। देखिए ज़बरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, तो इस वजह से जब गेंदबाज की ज़रूरत हो अतिरिक्त तो मुकेश कुमार इम्पैक्ट सब आपके लिए टीम में हाजिर हो जाएंगे। तो ये थी दिल्ली की और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच जो मुकाबला होगा शाम का मुकाबला सैटरडे को, उसकी प्लेइंग 11। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताएं, अपनी भी पॉसिबल प्लेइंग 11 लिखें। फिलहाल इस पेशकश में